हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, हमने उज्जैन से ओंकारेश्वर के लिए बस बुक कर ली है और उसकी जो टिकट है पर पर्सन 350 रुपीज़ इसकी टिकट प्राइस है और एसी बस है। बस ठीक ठाक है, बस इसका टाइम सही नहीं है। 7:10 का टाइम दिया था और ये आई है 9:15। तो फ्रेंड्स, हम बैठ गए हैं बस के अंदर और हमने टाइम पास के लिए ककड़ी और संतरे वगैरह ले लिए हैं क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था क्योंकि बस पकड़ने की जल्दी थी, लेकिन बस वाला ही लेट हो गया। और अब हम पहुंचने वाले हैं ओंकारेश्वर और करते हैं बहुत सारे दर्शन। फ्रेंड्स, यहाँ से हमें बोट मिलती है ओंकारेश्वर और कौन सा मंदिर है वो मैं भूल गई हूँ, ममलेश्वर मंदिर, उनके लिए बोट मिलती है और उस बोट में बैठ के हमें संगम भी लेके जाते हैं ये लोग और मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं। सो हमने अभी एक बोट बुक कर ली है और बुक जो बोट करते हैं ना उसका प्राइस है 1500 रुपये और आप बार्गेनिंग करके 1200 रुपये भी कर सकते हैं। सो ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा। तो गाइस, अभी हम बोट में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर, ममलेश्वर और नर्मदा संगम। तो फ्रेंड्स, देखते रहिएगा इसी तरह से और आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये हम जैसे ही ऑटो से उतरे हैं, बस स्टॉप से हमने लिया है ऑटो, बस स्टेशन से ऑटो लिया है। ऑटो लेने के बाद उन्होंने 20 रुपये सवारी लिया था, शेयरिंग ऑटो में हम करके आए हैं और फिर वहाँ से हमें बोट मिल गई है और प्रसाद दिया भगवान जी ने, वहीं पे लगेज रख दिया है हमने अपना और साथ ही साथ हम अब बोट लेके पर्सनल बोट किया है। अगर आपको दिक्कत आती है तो बार्गेनिंग कर सकते हैं, 1500 रुपये ये बोल रहे हैं, हमने इन्हें 1000 रुपये में कर दिया है। तो ऐसे ही आप बार्गेनिंग करें, अपने पैसे बचाएँ। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है और हमने अपना ये छोड़ दिया है बोट को और हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, ओंकारेश्वर मंदिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी अरे भैया, टोकरी कौन लाएगा? इतनी सारी सीढ़ियाँ भी हैं ये और ये सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। हालत खराब हो गई है सीढ़ियाँ चढ़ने में, क्योंकि बाबा ने बुलाया है। बाबा के बुलाए बिना तो कोई आ नहीं सकता। और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, देखिए। ओ भाई, लाइन यात्री चले जाएंगे। आपको 500 की मिलती है। आप लाइन देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लाइन है। और इसी लाइन में अभी हमें लगना है। अभी रुक जाओ भैया, हाँ जा। चप्पल जूते कहाँ उतारने? हम लोग बहुत बड़ी लंबी लाइन में लगे हुए हैं और अभी पता नहीं है कि कितनी देर में हमारा नंबर आएगा।
कोशिश में है अच्छे से हमारे दर्शन हो जाए बिना किसी चीटिंग के। कई लोग ऐसे आप देख, आपको मैंने दिखाया ही था कितनी बड़ी लाइन लग रही है, कितनी लंबी लाइन है और डबल ट्रिपल लाइन है। मैं आपको अभी आगे का दिखाती हूँ, ये देखिए दर्शन में हमारी गंगा नदी में भी प्रवाहित कर रही हो, हमारे संगम में भी प्रवाहित कर रही है, क्योंकि मेरे को प्रसाद चढ़ाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरी शाम की फ्लाइट थी इंदौर से दिल्ली के लिए। सो बहुत भारी दिल से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि फ्लाइट भी मिस हो जाती और मेरा दिल्ली आना बहुत जरूरी था, इसीलिए हम ओंकारेश्वर के दर्शन नहीं कर पाए। बहुत दुख के साथ मैं आपको ये बात बता रही हूँ, बहुत दुर्भाग्य है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं 6 घंटे और भी लाइन में लगती शायद नंबर बुक नहीं आता, मैंने आपको भी दिखाई। दूसरी बात ये फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि बाबा का बुलावा शायद नहीं था, बस वही दिल में एक पॉजिटिव अपने लिए लेके जा रही हूँ कि शायद दोबारा बाबा बुलाएंगे, मैं जरूर आऊँगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ दरवाजे से लौट के जा रही हूँ और मैं ज़रूर वापस आऊँगी और बाबा जी मुझे बुलाएंगे, मुझे पता है वो अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं करते हैं, भगवान कभी भी अपने बच्चों को मैं यही मन्नत मांग के जा रही हूँ। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं उज्जैन से इंदौर के लिए, गाड़ी हमने वहाँ से सीधा कैब की है, अब हम जा रहे हैं हमारे एयरपोर्ट के लिए क्योंकि फ्लाइट का टाइम है 7:40 का, जिससे वो हमारी निकल ना जाए और अभी टाइम हमारा है 5:30, तो 2.5 घंटे का कम से कम रास्ता है ही, जिसके लिए हम देखते हैं क्या होता है, पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं टाइम से। थैंक यू सो मच।